और नौमी तिथि को भगवान ने अवतार लिया। अब यहाँ किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि भगवान नौमी तिथि को ही अवतार लेकर क्यों आए, क्यों आए, नौमी तिथि को ही भगवान का जन्म क्यों हुआ? तो नौ का पहाड़ा जब आप पढ़ोगे, नौ एकम नौ, नौ दुनी अठारह, आठ और एक नौ, सत्ताईस, दो और सात नौ, छत्तीस कितना हुआ नौ, पैतालीस कितना हुआ नौ, जब आप अंत में पढ़ोगे तो कितना बचेगा नौ। नव योगेश्वर, नवग्रह, नवरात्रि और श्री रामचरितमानस कितने अक्षर हैं नौ, तुलसीकृत रामायण कितने अक्षर हैं नौ, श्री रामचरितमानस में 1440 बार राम शब्द आया है, 1440 बार सीता शब्द आया है, भाग दे दो बचा कितना नौ। श्री रामचरितमानस को 72 भाषाओं में गोस्वामी जी ने लिखा, दो और सात नौ। नौ का अंक पूर्णांक होता है और भगवान कौन है? पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णमुद्यच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, भगवान पूर्ण है। इसीलिए नौमी तिथि को अच्छा परमा, एक परमा ने कहा भगवान इस परमा में आ जाओ, बड़ा ही शुभ दिन है। भगवान ने कहा नहीं आऊंगा। दौज गई, बोले महाराज इस दौज में आ जाओ, भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भगवान ने कहा ना। तीज गई, बोले महाराज हरियाली तीज मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। भगवान ने कहा ना। चौथ गई, बोले महाराज गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा ना। पंचमी गई, बोले ऋषि पंचमी मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा ना। छठ गई, बोले हर छठ मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा ना। सप्तमी गई, बोले संतान सप्तमी मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं। अष्टमी गई, बोले कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा ना। नौमी तिथि एक कोने में बैठकर रो रही थी। भगवान ने पूछा क्यों रो रही हो? नौमी तिथि कहती है मेरी ओर कोई देखता ही नहीं। भगवान राम कहने लगे संसार में जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसी की ओर मैं देखता हूँ, और जब मैं माँ के गर्भ से प्रकट होऊंगा तो राम नौमी को ही अवतार लेकर आऊंगा, जिसके कारण इस संसार में धूमधाम से विशेष राम नौमी का त्योहार मनाया जाएगा।